हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशी की रसोई। आज हम बनाने वाले हैं रुई के पत्ते का भरता, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए रुई के पत्ते का भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे रुई के पत्ते लिए हैं, इसे हमने धो लिया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए तो हमने यहाँ पर एक प्लेट लिया है। प्लेट के ऊपर हमने रुई के पत्ते को रख दिया है। एक के ऊपर एक रुई के पत्ते को हम रखते जाएंगे। अब हमें सारे पत्तों को ऐसे ही रख लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो हमने इसे फैला लिया है। अब हम इसमें एक बड़े चम्मच अजवाइन डाल देंगे, हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें खटाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम पत्ते को फोल्ड कर देंगे। अब हमें एक बड़ा पत्ता लेना है जिससे पूरा कवर हो जाए हमारा। गाइस, आप देख सकते हैं हमें इसे ऐसे ही लपेटना है। अब हम इसे धागे से लपेट देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो हमने इसे लपेट लिया है। हमने गैस पे कुकर चढ़ा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा तेल ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। हमने जो रुई के पत्ते को बांध के रखा था, अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो हमारे रुई के पत्ते भुन चुके हैं। हमने इसमें 3-4 सीटी लगाई है। अब हमने इसे एक थाली में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर के छिलकों को निकाल लेंगे, जो कि जल गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो हमने ऊपर के पत्ते को निकाल लिया है। अभी ये गर्म है तो हम इसे चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे। मैश कर लिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो हमारा अरवी के पत्ते का भरता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।